Today I'm going to discuss a very important topic, how to natural food reduce the cancerous cell growth. First natural food is broccoli. जैसा कि आप जानते हैं ब्रोकली एक नेचुरल वेजिटेबल्स है जिसके अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो है आपका सल्फोराफेन। सल्फोराफेन में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी देखे गए हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में जब सल्फोराफेन का इफेक्ट देखा गया है माइस के ऊपर, तो अप टू 75% ब्रेस्ट कैंसर को ये रिड्यूस करने में सक्षम है ब्रोकली के अंदर पाए जाने वाला सल्फोराफेन है, और 50% तक आपका कोलोन कैंसर और कोलेक्ट्रल कैंसर में भी ये बहुत ही इफेक्टिवली कैंसरस सेल को रिड्यूस किया है। तो इस तरह से पहला जो आपका फूड है नेचुरल फूड ब्रोकली, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक कैंसरस सेल की ग्रोथ को आप नेचुरल तरीके से कैंसरस सेल के ग्रोथ को इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है आपका नेचुरल फूड कैरोट। कैरोट के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो है आपका बीटा कैरोटीन। उसके अलावा कैरोट में एस्कॉर्बिक एसिड और टेकोफेरॉल भी पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन के अंदर भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी दिखने को मिलता है। इसका जब लेबोरेटरी टेस्ट किया गया माइस के ऊपर, तो 26% स्टोमिक कैंसर सेल को ये इनहिबिट किया, यानी कि उसके ग्रोथ को ये रोकने में सक्षम है। आपका नेचुरल फूड में बेरीज है। बेरीज के अंदर आपका एंथोसाइनिन पाया जाता है, और एंथोसाइनिन में आपका जो इफेक्ट देखा गया है नेचुरल तरीके से, ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, और जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं उसके अराउंड अगर ऑक्सीडेंट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीडेंट क्या करेंगे, आपके सेल को डैमेज करेंगे या उसके प्रोलीफरेशन को बढ़ाते हैं। तो अगर आपका बेरीज के अंदर जो आपका एंथोसाइनिन है वो एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रहा है, तो सेल के प्रोलीफरेशन को आपको नेचुरल तरीके से एंथोसाइनिन कंट्रोल करता है। इसका भी जो रिसर्च करके देखा गया माइस के ऊपर, तो लगभग ये 7% तक सेल के जो कैंसरस सेल्स थे उसके ग्रोथ को ये कंट्रोल करने में सक्षम है। इससे आपका नेचुरल जो फूड मटेरियल है वो है आपका चिनामोन्स है। चिनामोन्स में आपके जो नेचर की तरह से पाए जाते हैं नेचुरली, वो है आपका एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी चिनामोन्स में पाए जाते हैं। चिनामोन्स क्या करता है कि जो कैंसरस सेल है उसके ग्रोथ को ये ब्लॉक करता है, खास तौर से आपका हेड और नेक, ये दो तरह के जो कैंसर होते हैं उनके सेल के ग्रोथ को ये बहुत ही आसानी से ब्रेक करता है। और अगर रेकमेंड किया जाए चिनामोन्स का आप कितना क्वांटिटी ले सकते हैं, तो 2 to 4 grams अगर पर डे चिनामोन्स अगर आप लेते हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, तो ये बेनिफिशियल है, ये कैंसरस सेल के स्प्रेड को रोकने में सक्षम है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फूड में ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो फाउंड नेचुरली एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। तो जितने भी कैंसरस सेल है वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है क्योंकि सेल का अनकंट्रोल प्रोलीफरेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से सेल का जो ग्रोथ है या सेल का अल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप नेचुरल तरीके से आप अपने जो कैंसरस सेल बॉडी के अंदर बन रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट ज़्यादा जो देखा गया है वो ब्रेस्ट कैंसर के केस में, जो भी लैब के अंदर रिसर्च किया गया है, तो ऑलिव ऑयल का इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा था सेल्स को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फूड में टर्मरिक। टर्मरिक के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, वो है आपका एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। इसके अलावा टर्मरिक में एंटी इन्फ्लामेटरी और आपका एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाए जाते हैं। तो अगर टर्मरिक का आप इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में,
तो ये बहुत हद तक आपके कैंसरस सेल्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है प्रोलिफरेशन होने में, यानी कि उसके मल्टीप्लाई होने में। टर्मरिक का लेबोरेटरी के अंदर इफेक्ट देखा गया। इसके लिए जो रिसर्च पैनल थे उन्होंने 44 कैंसरस पेशेंट, जो उनको कोलोन कैंसर था, उनको उन्होंने लिया और उनको 30 डेज तक 4 ग्राम जो करक्यूमिन का जो पाउडर था वो उनके फूड के साथ ऐड करके दिया उनको। तो आफ्टर 30 डेज से ये देखा गया रिजल्ट, जो उनका जो कैंसरस सेल था वो लगभग 40% उनका ग्रोथ जो है कैंसरस सेल का वो कंट्रोल हो गया। तो इस तरह से जो टर्मरिक है, जिसके अंदर नेचुरली ये पोटेंशियल है कि कैंसरस सेल के ग्रोथ को वो कंट्रोल करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो इस तरह से अगर आप टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में, अगर जो कैंसरस पेशेंट हैं उनके लिए भी, तो बहुत हद तक जो ट्यूमर का ग्रोथ हो रहा है कैंसरस का, उसको आप नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल फूड इज अ टोमेटोज। टोमेटोज के अंदर लाइकोपीन पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि लाइकोपीन जो है वो भी एक एंटी कैंसरस के तरह आपके बॉडी के ऊपर काम करता है। इसके लिए एक रिसर्च स्टडी करके देखा गया, जिसमें कुछ कैंसरस पेशेंट को रखा गया, खास तौर पे वो कैंसरस जो प्रोस्टेट कैंसर के थे, और प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को जब टोमेटोज रूटीन में दिया गया, यानी कि लाइकोपिन दिया गया, तो उनका जो कैंसरस ट्यूमर था वो लगभग 17% कंट्रोल हो रहा था, ऐसा एक रिसर्च के बाद देखा गया है। तो नेचुरल तरीके से आपका जो टोमेटोज में लाइकोपिन पाया जाता है वो भी आपके कैंसरस ट्यूमर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो जब भी आप अगर रूटीन में टोमेटोज लेते हैं, खास तौर से सैलेड के फॉर्म में या सैंडविच के फॉर्म में, तो आप नेचुरली लाइकोपिन लेते हैं। तो जितने भी कैंसरस पेशेंट हैं, अगर वो रूटीन में टोमेटोज ऐड करते हैं, तो ये नेचुरली आपके कैंसरस सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट नेचुरल फूड इज अ गार्लिक है। गार्लिक हैव कंटेन एलिसिन। एलिसिन एक आपका नेचुरल कंपाउंड है जो गार्लिक के अंदर पाया जाता है, और एलिसिन के अंदर भी ये देखा गया है कि ये क्या करता है, आपका जो कैंसरस सेल है उसके ग्रोथ को ये रिड्यूस करता है। डेली अगर आप 4 to 5 ग्राम गार्लिक अपने फूड में ऐड करते हैं, तो बहुत सारे कैंसरस सेल के ग्रोथ को आप रोक सकते हैं नेचुरल तरीके से। नेक्स्ट नेचुरल फूड इज अ बीन्स। बीन्स हैव फाउंड हाई फाइबर एंड हाई फाइबर आर एबल टू रिड्यूस द कैंसरस सेल। इसके लिए एक एनिमल का मॉडल लिया गया, माइस का। उसके जो माइस थे जिनको एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया, वो सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल कैंसरस उनको हो चुका था, और उनको जब बीन्स खाने को दिया गया जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स थे, तो देखा गया कि अप टू रिड्यूस 75% ऑफ कैंसरस सेल, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल कैंसर, इट्स एबल टू रिड्यूस बाय द इनटेक ऑफ बीन्स। इसका मतलब है कि जो फाइबर्स हैं बीन्स के अंदर वो सक्षम है कैंसरस सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करने। द नेक्स्ट नेचुरल फूड इज अ नट्स। नट्स हैव फाउंड सेलेनियम कंपाउंड। सेलेनियम हैव एबल टू रिड्यूस द कैंसरस सेल ग्रोथ, स्पेशली लंग कैंसर। सेलेनियम में ये कैपेसिटी पाई जाती है कि जो आपका लंग कैंसर है उसके ग्रोथ को वो कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह से जो कैंसरस पेशेंट हैं या नॉर्मल पेशेंट भी हैं, तो अपने डेली डाइट में नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, जो सेल है वो बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहेगा, और अगर कैंसरस सेल कन्वर्ट कर गया है, तो खास तौर से लंग कैंसर में देखा गया है कि नट्स का इफेक्ट हो रहा है, उसके अंदर जो नेचुरल कंपाउंड सेलेनियम पाए जाते हैं।